press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मेरा नाम नव चौधरी। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का आता है, तो जिसमें ये नंबर डिवाइडेशन है वो 1+3 में होता है। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो ए पार्ट में आता है और 3 नंबर का क्वेश्चन है वो सी में आता है। तो ए पार्ट वाला क्वेश्चन होता है 8वां क्वेश्चन और सी पार्ट वाला होता है 25 नंबर वाला क्वेश्चन। तो प्रायिकता जो है उसका फॉर्मूला होता है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फेवरेबल आउटकम ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम ऑफ ए, यानी फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट। तो फेवरेबल उस इवेंट के अन है और जो टोटल आउटकम है उसके अन है, तो ये हो जाएगा अम अपॉन अन। अगर वो ट्रायल है वो हैपनिंग है ऑफ ए इज श्योर, अगर वो निश्चित घटना है तो उसमें जो टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम है वो इक्वल होंगे, अम इक्वल अन होगा। तो वहां पे प्रायिकता का जो मान है अन अपॉन अन करेंगे तो एक आ जाएगा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो वो एक होता है। इफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज इम्पॉसिबल, अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल है वो निश्चित नहीं है तो वहां पे जो फेवरेबल रिजल्ट है अन का मान 0 होता है, तो पी ए इज इक्वल टू 0 अपॉन अन यानी 0 आ गया। तो जो प्रायिकता की जो लिमिटेशन है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये भी एक नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रायिकता की जो लिमिट है वो बताइए। तो 0 > इक्वल टू पी ए और < इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो 0 से 1 के बीच में होती है, यानी कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा और कभी भी 1 से बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा प्रायिकता का। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपिंग इवेंट भी, जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको पी ए बार से डिनोट किया जाएगा, ए के ऊपर अपन बार लगाएंगे और उस पी ए बार को निकालने का फॉर्मूला है अनफेवरेबल केस ऑफ ए अपॉन टोटल केस, या अनफेवरेबल रिजल्ट ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल रिजल्ट ऑफ केस ए। तो यहाँ पे जो टोटल केस था वो अन था और फेवरेबल था अम, तो जो अनफेवरेबल कितना बच गया अन माइनस अम, अपॉन में जो टोटल केस है वो कितना है अन। अब अन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अन अपॉन अन हो गया माइनस अम अपॉन अन हो गया इज इक्वल टू अन अपॉन अन हो गया 1 - अम अपॉन अन। तो 1 - अम अपॉन अन किसकी वैल्यू थी, पी ए की वैल्यू थी, तो ये पी ए बार इज इक्वल टू 1 - पी ए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक नंबर में बोर्ड में पूछा जाता है जिसमें आपको नॉन हैपनिंग इवेंट है उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का बोलेगा। तो एक ये भी फॉर्मूला याद रखिए कि पी ए प्लस पी ए बार का सम है वो 1 होता है। प्रोबेबिलिटी वाले को ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा, जो मेन मेन क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर वाइज नहीं करवाऊंगा। तो अभी अपन आज ये कॉइन वाले क्वेश्चन करेंगे, तो कॉइन यानी सिक्के वाले जो क्वेश्चन है वो 3 टाइप के क्वेश्चन है, 1 सिक्के को उछालना, 2 सिक्के को उछालना और 3 सिक्के को उछालना, या 1 सिक्के को 1 बार उछालना, 1 सिक्के को 2 बार उछालना, या 1 सिक्के को 3 बार उछालना। तो इन तीनों में से अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 1 नंबर में आता है, ये भी 1 नंबर में पूछ सकता है और 3 में भी पूछ सकता है और ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया होगी 2018 के अंदर। अगर आप किसी कॉइन को 1 टाइम्स टॉस करते हो तो जो टोटल आउटकम होगा, टोटल आउटकम जो होंगे अपने पास, यानी अन की जो वैल्यू है टोटल आउटकम, 1 सिक्के को आप 1 बार उछालने पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो आपके पास टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 होंगे। तो मैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ पढ़ा रहा हूं। अब आपको यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, वो या तो पूछेगा कि आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ या पूछेगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता। तो हेड को चित बोलते हैं और टेल को पट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अदरवाइज पूछेगा टेल। हेड को बोलते हैं चित और टेल को बोलते हैं पट।
चित आने की प्रायिकता या पटाने की प्रायिकता। तो आपको इसका पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फेवरेबल रिजल्ट, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यह पहले पूरा लिखोगे फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम भी आप एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हो, तो जब आपको हेड की प्रायिकता पूछेगा तब हेड इन दो रिजल्ट में से एक ही आ रहा है, एक बार उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड उसमें एक ही आ रहा है, तो फेवरेबल जो रिजल्ट है वो तो हो गया एक, और जो टोटल आउटकम है वो कितना है दो। तो आपको वो पूछेगा हेड की या पूछेगा टेल की, तो इन दोनों का आंसर कितना होगा, 1/2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू होती है, यानी 1/2 या 0.5 है इसका आंसर। कई गलती से 2/1 लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी में हमेशा ही न्यूमरेटर में वैल्यू डिनोमिनेटर से लेस देन होगी, अंश का मान हर से छोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आप 2 times उसको टॉस करते हो तो टोटल आउटकम जो कुल परिणाम है, टोटल आउटकम अब आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, यानी आपने उस कॉइन को 2 टॉस किया तो दोनों बार फर्स्ट टाइम मान लो हेड आ गया, सेकंड टाइम हेड आ सकता है, दूसरा फर्स्ट टाइम हेड आ गया सेकंड टाइम टेल आ सकता है, तीसरा फर्स्ट टाइम टेल आया और सेकंड टाइम हेड आ सकता है, और चौथा रिजल्ट दोनों टाइम से हेड आ सकता है। तो ये टोटल कितने रिजल्ट हो गए हैं, 4, भी दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, दोनों बार ये टेल, दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, पहली बार हेड दूसरी बार टेल आ सकता है, या दोनों बार टेल आ सकता है। तो टोटल रिजल्ट हो जाएंगे 4। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि 8 less 1 times हेड, यानी कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 times हेड, यानी एक बार चिताने की प्रायिकता, तब आपको कम से कम एक बार चिताना चाहिए। यानी कम से कम का क्या मतलब होता है कि जैसे आपके 10 का टेस्ट होता है तो आपको कहा जाता है भी कम से कम 8 आने चाहिए, तो 8 से आप ज्यादा भी लेकर आ सकते हो, यानी वहां पे आपको मार है वो 8 से कम नंबर वालों को पड़ेगी, तो 8 से जो ज्यादा है यानी 8, 9, 10 ये तीन वो क्या है, फेवरेबल रिजल्ट हो गए हैं, अनुकूल परिणाम हो गए हैं। तो यहाँ पर इसने कहा है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो एक या एक से ज्यादा हेड आ सकते हैं, एक से कम नहीं आना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 हेड का ये मतलब होता है। तो अपॉन में जो टोटल आउटकम है वो तो है 4, अब कम से कम एक हेड या चित होना चाहिए, तो इसमें आप देखोगे कि एक तो एक हेड वाला लियोगे आप फेवरेबल रिजल्ट, और एक एक से ज्यादा हेड वाला भी लियोगे, तो एक हेड वाले ये 2 है, और एक से ज्यादा हेड यानी जिसमें दोनों हेड हो सकते हैं, तो ये पहला रिजल्ट है। तो इसमें जो फेवरेबल रिजल्ट है वो कितने हो गए, ये 3 हो गए हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का 3/4। आप पूरा लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 times हेड। अब सेकंड ये पूछ सकता है एटमोस्ट 1 time हेड, वो हेड का भी दे सकता है या टेल का भी दे सकता है। तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक है वो एक चिताना चाहिए। तो अधिक से अधिक का क्या मतलब होता है, जैसे कोई कक्षा में विद्यार्थियों की जो लिमिट है वो बना दी है कि इस कक्षा में अधिकतम 10 विद्यार्थी बैठ सकते हैं एग्जाम के टाइम में, तो अधिक से अधिक में यानी 10 से ज्यादा नहीं बैठ सकते, 10 से कम बैठ सकते हैं, 0 से लेकर के 10 के बीच की लिमिट है वहां पे। तो यहाँ पे जो लिमिट ये कह रहा है कि कम से कम और या अधिक से अधिक बोल रहा है एक चित तो होना ही चाहिए। अब यहां पर आपको क्या लेना है, एक से ज्यादा नहीं लेना, जब अधिक से अधिक आ रहा है तो एक से ज्यादा नहीं ले सकते आप, एक से कम ले सकते हो। जैसे कक्षा में कहा कि 10 विद्यार्थियों से अधिक नहीं बैठ सकते, तो वहां 10 से कम चाहिए कितने बैठ सकते हैं, तो यहां अधिक से अधिक ये एक बोल रहा है, तो एक और एक से कम चित वाले क्या होंगे, आपके अनुकूल परिणाम होंगे। तो एक से इसमें टोटल तो है 4, एक वाले तो ये 2 थे, एक से कम यानी 0 होता है,
तो वहां पे जीरो हेड वाला ये रिजल्ट है, तीसरा तो टोटल जो फेवरेबल आउटकम हो कितने आ गए तीन, तो इसका भी रिजल्ट कितना हो गया 3/4। तो ये दो क्वेश्चन एक एग्जांपल में दिया हुआ, एक एक्सरसाइज में दिए हुए ये दोनों क्वेश्चन। अब अगर वो आपको पूछता है कि इसमें एट मोस्ट या एट लिस्ट नाम देकर के सिर्फ क्या वन टाइम हेड, तो ओनली वन टाइम हेड का बोलेगा, तो वन टाइम हेड है वो इन दोनों में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। और वो कह दे कि एवरी टाइम हेड, एवरी टाइम का मतलब दोनों बार ही हेड होना चाहिए क्योंकि दो ही बार उछाल रहा है, एवरी टाइम हेड कह सकता है या बोथ टाइम हेड कह सकता है, तो एवरी टाइम में आपको कितने आ रहे हैं यहाँ पे आप रिजल्ट देखोगे तो एवरी टाइम वाला ये एक ही रिजल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से अपने एक सिक्के को जब दो बार उछाला जाता है तब उसका ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो उसके आपके इस तरह से आंसर देने हैं। अब अगर एक कॉइन को आप तीन बार उछालते हो, थ्री टाइम टॉस करते हो, तो जो टोटल आउटकम इसमें रिजल्ट ऐसे निकालते हैं 2/1 होता है ये 2, इसमें ये 2/2 होता है, और ये 3 टाइम्स हो रहा है तो ये 2/3 यानी 8, तो इसमें 2, 4 और ये 8, ये ध्यान रखना आपको 2/1, 2/2 और 2/3, 3 टाइम्स है तो 2/3 हो जाएगी, 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगी, और 1 टाइम्स है तो 2/1 हो जाएगी। ये हो गया टोटल आउटकम। 8 टोटल आउटकम कैसे लिखेंगे, अब इसमें अपने ये ट्रिक याद रखेंगे। देखो इसको तीन बार वो थ्रो कर रहा है, तो तीन तीन के आपको पेयर बनानी है। अब मान लो आप तीनों टाइम ही हेड आ गए, अब लास्ट वाले को चेंज कर दो, लास्ट वाले को करेंगे तो हेड हेड, लास्ट वाला मान लो टेल आ गया, अब इसमें मिडिल वाला चेंज कर दो तो हेड टेल हेड हो गया, अब एक नंबर वाला चेंज कर दो तो टेल हेड और हेड, ये चार रिजल्ट हो गए। पहले आपने तीनों ही हेड लिखे, अब चाहो तो आप स्टार्टिंग वाला चेंज करते जाओ चाहे लास्ट वाला, तो मैंने लास्ट वाला लिखा हेड को टेल, तो लास्ट वाला लिख दिया टेल, बाकी दोनों सेम। अब इन तीनों में से मिडिल वाले को चेंज कर दिया सिर्फ, तो मिडिल में लिख दिया हेड, और चौथे रिजल्ट में स्टार्टिंग वाले को लिख दिया टेल, तो टेल हेड और हेड, ये हो जाएंगे चार रिजल्ट। अब मान लो तीनों बार ही टेल आ जाए, तो इसी ट्रिक से इसमें अपन चेंज करेंगे, लास्ट वाला चेंज करेंगे तो टेल टेल और हेड हो गए, अब ये मिडिल वाला चेंज होगा तो टेल हेड और टेल, और ये फर्स्ट नंबर वाला चेंज होगा तो हेड टेल और टेल, ये टोटल कितने रिजल्ट आ गए हैं 8 आ गए। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ एक्सरसाइज में कि अल्टरनेटिव हेड और टेल यानी एकांतरत चित या पट, एकांतरत का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट जैसे दिन और रात अल्टरनेट चलते हैं, तो उसी तरह यहां पर जो टोटल रिजल्ट है इसमें अल्टरनेट होना चाहिए हेड और टेल, यानी हेड के बाद टेल फिर हेड, या टेल के बाद हेड फिर टेल, यानी दो हेड या दो टेल पास पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब अल्टरनेट हेड या टेल देखते हैं तो एक तो ये जो चौथा रिजल्ट ये है हेड टेल हेड, ये देखो अल्टरनेट हो रहा है यहाँ पे, और एक इस नीचे वाला लाइन में ये चौथा रिजल्ट है टेल हेड टेल, तो ये दोनों अल्टरनेट हो रहे हैं, तो टोटल तो इसका कितना है 8 है, और फेवरेबल कितना है इसका 2, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया अल्टरनेटिव हेड और टेल। अब इसके कुछ ओरल क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहां पर आपको पूछा था एट लेस्ट वन टाइम हेड, तो इसी तरह इसमें पूछ सकता है कि कम से कम या एट लेस्ट वन टाइम हेड होना चाहिए। अब वन टाइम हेड में क्या प्रोसेसिंग है, भी एट लिस्ट कह रहा है तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम वाला जब क्वेश्चन आता है तो एक या एक से ज्यादा वाला फेवरेबल लोगे, तो यहां पर एक हेड वाले पहले तो वो देखो एक हेड वाले कितने हैं, एक हेड वाले जो है यहाँ पर ये नीचे वाले तीन है, एक दो और ये तीन, ये तो हो गए एक हेड। अब एट लिस्ट नाम आया है तो एक से ज्यादा वाला लेंगे, यानी एक के बाद में दो या तीनों हेड वाले, तो ऊपर वाले में इनमें कितने हेड है, दो हेड है तीनों में, और इसमें तीनों ही हेड है, तो अपने पास जो कितने रिजल्ट हो गए हैं ये हो गए तीन, तो ये हो गए चार, ये हो गए, तो कितना हो गया 7/8 हो गया। तो एट लिस्ट जब वन हेड या वन टेल का क्वेश्चन आता है तो 7/8। अब ये कहता है एट लिस्ट टू टेल, अब इसने टू टेल का बोला है,
तो टू टेल का मतलब टू या टू से ज्यादा होना चाहिए, दो और दो से ज्यादा वाला काउंट करोगे आप। तो इसमें पहले तो आप दो जिसमें टेल है वो देखोगे, तो दो टेल ऊपर वाले तीनों में है और दो से ज्यादा किसमें है, इसमें है तीनों, तो इन चारों में दो या दो से ज्यादा है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 4/8। तो 4/8 कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से वो पूछ सकता है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि 3 times हेड या 3 times टेल, तीनों ही बार हेड आए या तीनों ही बार टेल आए, अदरवाइज उसकी हेडिंग इस तरह पूछ सकता है एवरी टाइम हेड या टेल। तो एवरी टाइम यानी तीनों बार ही उछाल आया, तो तीनों बार ही टेल आए या तीनों बार ही हेड आए, तो उसका आंसर कितना होगा? देखो इन तीनों में तो हेड आ रहा है और इन तीनों में टेल आ रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? जब हेड का पूछेगा तो भी 1/8 और टेल का पूछेगा तो भी 1/8। तो एवरी टाइम का पूछे तब 1/8 आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों जो सिक्के वाले क्वेश्चन है उनको अपन इस तरह से करते। अब आगे क्वेश्चन करते हैं अपन डाइस वाला यानी पासी वाला क्वेश्चन। तो पासी वाले यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है तो एक नंबर में पूछता है और ये पूछता है तो ये 3 नंबर में पूछता है। तब अगर एक पासे को एक डाइस को अगर आप एक बार उछालते हो 1 times थ्रो करते हो और इसमें उसको आप 2 times थ्रो करते हो यानी 2 बार उछालते हो, तब एक बार उछालते हो अगर आप किसी पासे को, जैसे लूडो वाला पासे होता है तो अगर आप उस पर एक बार उछालते हो तो उस पर 1 से लेकर 6 तक जो डिजिट होते हैं उनमें से कोई भी आ सकता है, तो वहां उसको एक बार उछालने पर जो टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। कौन से बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये टोटल रिजल्ट कितने हो जाएंगे? 6। तो इनको अपने को काउंटिंग में लेना है, सम नहीं करना है, तो वहां पे टोटल आउटकम जो है वो कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछता है? एक दो पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन का पूछता है, ओड का पूछता है और तीसरा वो प्राइम नंबर का पूछता है। अब इन तीनों में देखो, जब इवन का पूछेगा तो इवन नंबर जो सम संख्या होती है वो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो अपॉन में तो टोटल आउटकम कितने है? 6 है। अब अगर सम संख्या का पूछता है, इवन नंबर का पूछता है, तो इवन नंबर कितने हैं? 2, 4 और 6 तीन नंबर, तो 3/6 तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। ये किसका आंसर हो जाएगा? इवन वाले का आंसर हो जाएगा। अब अगर वो ओड वाले का पूछता है, तो ओड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है? 1, 3 और 5। तो ओड नंबर भी कितने हैं? 3 है, तो 3/6 ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। और तीसरा है प्राइम, अगर पूछे तो प्राइम नंबर जब आपको पूछे तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या पूछे तो अभाज्य संख्या वो होती है जो अपनी टेबल में आती है, किसी दूसरे की टेबल में नहीं आती है, तो 1 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 3 और 5 है, तो ये भी कितनी है? 3/6, तो ये भी 1/2। तो इवन ओड या प्राइम तीनों का भी पूछे तो तीनों का एक आंसर आएगा 1/2। आपको ये पूरा हेडिंग से लिखना है, मैं अभी इसको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ क्योंकि पहले के कराए हैं आपको और अब इनको आपको सिर्फ रिवाइज लेना है। अब इस डाइस वाले के अंदर ये क्वेश्चन पूछता है कि less than 4, तो less than 4 का पूछे, वो कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर less than 4, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से छोटे कितने अंक है यहाँ पे? 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3/6। लेकिन वो क्वेश्चन में ये ऐड करते प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल टू 5 और less than 5, तब इक्वल टू जब ऐड कर दिया है तो वो 5 के इक्वल भी पूछ रहे आपको, तो 5 आपको वहां पे फेवरेबल रिजल्ट में काउंट करना पड़ेगा, तब कितने हो जाएंगे रिजल्ट? 5/6 आंसर हो जाएगा। वो कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल टू 2 and greater than 2, 2 से बड़ा हो नंबर और इक्वल टू 2 हो, तब 2 और 2 से ज्यादा वाले काउंट करेंगे तब भी कितने हो जाएंगे आपके पास रिजल्ट? 5/6। उसने क्या दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 5 इवन नंबर, उसने लेस देन 5 बोला है और इवन नंबर बोला है, तो इवन नंबर टोटल में तो 3 है इवन नंबर, लेकिन जब 5 से लेस देन वाले में आपको बोल रहा है तो 5 से लेस देन सिर्फ 2 ही है इवन नंबर, 2 और 4, तब इसका आंसर हो जाएगा 2/4 6, 1/3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको करेंगे।
अब अगर आप डाइस को टू टाइम्स थ्रो करते हो तो यहाँ टोटल आउटकम 36 होंगे, और 36 आपको ये एग्जाम में आता है तो ये तीन नंबर में आता है तब आपको ये लिखने होंगे टोटल। अगर एक ही नंबर में आता है तो आप फेवरेबल रिजल्ट सिर्फ लिख करके बता सकते हो। इसको कैसे लिखेंगे, देखो टू टाइम्स थ्रो किया तो मान लो पहली बार एक आया, दूसरी बार भी एक आया, तो इसको ऐसे ट्रिक से रखेंगे, पहली बार एक आया, दूसरी बार दो आ गया, पहली बार एक आया, दूसरी बार तीन आ गया, तो ऐसे एक बार तो पहला डिजिट है वो पहली लाइन में वन ही रखना है, और दूसरा डिजिट है वो आपको वन से लेकर के सिक्स तक चेंज करना है। ये 1 4 1 5 1 6 हो गया। अब सेकंड लाइन में पहला टू रखना है, बाकी ये काउंट वन से लेकर सिक्स तक, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब थर्ड लाइन के अंदर पहला डिजिट आपको 3 रखना है, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब चौथी लाइन में पहला डिजिट आपको 4 रखना है, तो 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। अब पांचवी लाइन में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। छठी लाइन में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। यानी पहली लाइन में पहला डिजिट 1 रखना है, दूसरी में पहला डिजिट 2 रखना है, तीसरी में पहला डिजिट 3 रखना है, चौथी में पहला डिजिट 4 रखना है, पांचवी में पहला डिजिट 5 रखना है, छठी में पहला डिजिट आपको 6 रखना है, बाकी 1 से लेकर 6 तक आपको ये सेकंड डिजिट प्रत्येक लाइन में लिखना है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो सम का भी पूछ सकता है और प्रोडक्ट का भी पूछ सकता है, यानी दोनों जो अंक है उनका योग का भी पूछ सकता है और उनका गुणनफल का भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बनाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट, वो 2 से लेकर के 13 तक का कोई भी सम पूछ सकता है, बुक में आपके 3 दिए हुए हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी पूछ सकता है, तो उसको कैसे करेंगे। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट इज 2, भी दोनों डिजिट है उनका सम 2 होना चाहिए, तो 2 सम वाला ये पहला एक ही है ये, तो उसको मैं थोड़ा लाइन से आपको बता रहा हूं। तो ये ब्रैकेट वाला एक ही काउंट किया जाएगा, तो ये कितने हो गए, ब्रैकेट वाला एक ही रिजल्ट है ये, तो सम 2 का पूछे तो अपॉन में तो 36 आएगा, अपॉन में 36 और कितना रिजल्ट है फेवरेबल 1 है, तो ये 1 अपॉन 36। अब अगर सम वो पूछे 3 की प्रोबेबिलिटी, तो सम 3 में कितने रिजल्ट है, ये इस तरह से ये लाइन तिरछी आएगी, तो कितने रिजल्ट हो गए, ये 2 हो गए हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 36, तो ये 1 अपॉन 18 हो गया। अगर वो सम 4 की पूछे तो 4 के अंदर ये वाली लाइन हो जाएगी, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 36 हो गया। अगर वो सम 5 का पूछे तो 5 के अंदर ये लाइन हो जाएगी, 5 के अंदर कितना रिजल्ट हो गए, 4 अपॉन 36, तो 1 अपॉन 9 हो गया। अगर वो सम 6 की पूछे तो 6 में ये लाइन हो जाएगी, 6 में हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, तो 5 अपॉन 36 ये कैंसिल नहीं होगा। अगर वो सम 7 की पूछे तो 7 के अंदर ये सबसे ज्यादा रिजल्ट होंगे, सबसे बड़ी लाइन होगी ये, तो सम 7 में कितने हो गए, 6 अपॉन 36, तो 1 अपॉन 6 हो गया। अब अगर वो सम 8 का पूछे तो 8 वाले में ये लाइन हो जाएगी, तो एक एक कम होते जाएंगे, 5 अपॉन 36। इसी तरह अगर वो 9 का पूछे तो ये लाइन हो जाएगी 9 के अंदर, तो इसमें हो जाएगा 4 अपॉन 36। अगर वो 10 का पूछे तो ये हो जाएगा, तो 10 में कितने हो गए, 3 अपॉन 36। वो 11 का पूछे तो ये दो रिजल्ट है, 2 अपॉन 36। वो 12 का पूछे तो 1 अपॉन 36। अगर उसने सम 13 का पूछ लिया, ये क्वेश्चन है बुक में, सम 13 का पूछ लिया, अंकों का जोड़ 13 आने की प्रायिकता, तब कोई भी रिजल्ट नहीं है यहाँ पे, 13 किन्हीं भी अंकों का योग नहीं हो रहा है, तो ये 0 है, तो 0 अपॉन 36 इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो आपको हेडिंग पूरा लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डिजिट 5, ये हिंदी मीडियम वाले, अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता, फिर प्रायिकता का सूत्र लगाओगे, उसके बाद आपको ये करना है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक से आपको द्वारा रिवाइज करवा रहा हूँ। अब इसमें वो प्रोडक्ट का पूछे या गुणनफल का पूछे अंकों का गुणा, तब आपको इसमें से देखना पड़ेगा भी किन अंकों का गुणा जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वो आ रहेगा। जैसे उसने कहा कि अंकों का गुणनफल 12 आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12, तो 12 वाला कौन कौन सा है, तो 12 वाला देखो पहली लाइन में कोई भी डिजिट का प्रोडक्ट वो 12 नहीं हो रहा है, दूसरी में ये 2 6 ये हो रहा है,
तीसरी लाइन में 3-4 का ओवर है, चौथी लाइन में 4-3 का ओवर है, पांचवी में किसी का नहीं ओवर है, छठी लाइन में 6-2 का ओवर है, तो कितने रिजल्ट हो गए ये 1, 2, 3 और ये 4, तो 4/36 हो गया यानी 1/9। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12, तो 12 की बात करेगा तब अपने का आंसर हो गया ये 4/36। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 36, तो 36 की बात कर रहा है तो सिर्फ ये एक ही रिजल्ट है 1/36। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ 15, तो 15 के अंदर 15 वाला आंसर कौन सा है 3-5, एक 3-5 और एक 5-3 है, तो ये दो ही रिजल्ट है। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 1, तो 1 वाला ये पहला एक ही रिजल्ट है 1/36। तो इस तरह से वो आपको प्रोडक्ट का भी पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टाइम इवन नंबर, तो आप जो ये पासा ये उछाल रहे हो तो आपको जो दोनों अंक आ रहे हैं वो दोनों ही सम अंक होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए, दोनों ही विषम होने चाहिए, ऑड नंबर होने चाहिए, या दोनों ही वो अभाज्य अंक होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। जब आपको वो इवन नंबर का पूछेगा तो दोनों अंक आप इवन नंबर वाले देखोगे, तो इवन वाला कैसे चेक करेंगे, इवन वाला कौन सा है दोनों अंक, ये 2-2 है ये एक हो गया, ये 2-4 इवन है, 2-6 इवन है, तीसरी में इवन नहीं है दोनों, चौथी लाइन में 2-4-2, 4-6, 4-6 तीन ये हो गए, पांचवी में नहीं है दोनों इवन, छठी लाइन में 6-2, 6-4 और 6-6 ये कितना रिजल्ट हो गए हैं 9, 9/36। इसी तरह आप ओड का करोगे या प्राइम नंबर का करोगे तो भी 9/36 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप एक पासे को दो बार उछालना या ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस या टू टाइम्स, तब आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अपन आगे वाली क्लास में अपने क्वेश्चन करेंगे वो लीप ईयर नॉन लीप ईयर या जो कार्ड्स वाला है वो क्वेश्चन करेंगे।